राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दो रंग का डिजाइन बना के दिखाऊंगी। चार सिलाई का ये डिजाइन बनेगा। देखो यहाँ तक लेकर ये ऊपर तक का, और जो ये नीचे बना रखा है, अगर आपने इस तरह बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर बना लो आप। अगर आपने ये डिज़ाइन पूरी कोटी में डालना, पूरी कोटी में डाल लो। इसकी वीडियो चैनल पर डाल रखी है। अगर इस तरह बॉर्डर बनाओ तो बॉर्डर भी बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बॉर्डर बना के ऊपर ये दूसरा डिज़ाइन शुरू कर लिया। अब मैं पहली सिलाई तो बना के दिखाऊंगी आपको। अगर आपने ये जैसे कई रंग लगाने हैं, मैं दो रंग का बना रही हूँ, कई रंग लगाने, कई रंग का बना लो आप, आपकी मर्जी है। एक डिजाइन ये पांच और चार नौ फंदे का बनेगा। पहले हम पांच फंदे हरे रंग के बना लेंगे। एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हरे रंग के बना लिए। फिर चार फंदे पीले रंग के बना लेंगे। एक दो तीन चार। अब यही नौ फंदे हमने पूरी सिलाई में बार 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 बनाने हैं। पांच फंदे हरे रंग के, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हरे रंग के। अब चार फंदे पीले रंग के बनाने हैं। दो रंग का धागा चला रखा है साथ साथ। दो रंग का धागा मैं इस तरह पीछे करके सिलाई में तब बनाना हमने। अगर हम यूं करके बना लेंगे तो हमारा डिजाइन खिंचा हुआ बनेगा, तो इस तरह करके बनाना, खिंचेगा नहीं। फिर एक दो तीन चार, चार फंदे पीले, फिर पांच फंदे हरे। एक दो तीन चार पांच, फिर चार फंदे पीले रंग के। एक दो तीन चार। अब ये एक दो तीन, तीन डिजाइन हो गए हमारे। और डिजाइन को सेट करने के लिए, जैसे इस कोने पर पांच फंदे आ रहे हैं, इस कोने पर भी हम पांच फंदे हरे रंग के बना लेंगे। अगर हम ये डिजाइन कोने पर रखेंगे, जैसे पांच नहीं बनाए हमने, ये डिजाइन कर लेंगे, तो ये एक कोने पर ये डिजाइन आ गया, एक कोने पर हरे रंग का ये डिजाइन आ गया, तो इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए डिजाइन को सेट करने के लिए पाँच फंदे हमने हरे रंग के, ये डिजाइन तो अलग हो गए, ज़्यादा है, मतलब पाँच नौ फंदे का हिसाब होता। मान लो हमारा डिजाइन सेट हो गया और पांच फंदे हमारे बच गए, तो पांच फंदे इस कोने पर रख लेंगे। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हमने किस तरह बनाना है, जो फंदे हमने सीधी सिलाई में हरे हमने ऐसे सीधे बनाए थे, तो उल्टी सिलाई में भी ये फंदे हमने सीधे बनाने हैं। जो हरे फंदे हैं ये हमने सीधे बनाने हैं उल्टी सिलाई में, दूसरी सिलाई में। फिर अपनी तरफ धागा करके ये धागा हम यूँ कर देंगे, यहाँ जाली नहीं बनेगी फिर हमारी। ये दबा दिया हमने धागा, देखो। अब नीचे को ये निकाल कर चार फंदे, ये फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। पांच फंदे सीधे बना दिए, चार फंदे उल्टे। फिर ये धागा पीछे करके पांच फंदे बनाने हमने। एक दो तीन चार और एक पाँच। फिर ये धागा हम अपनी तरफ ले आए। यहाँ कोने पर तो एक बार दबाना हमने, यहाँ जाली नहीं पड़ेगी फिर हमारी। अब तो हम इसी तरह बना लेंगे ये। एक दो तीन चार, फिर पीछे धागा करके पांच फंदे हरे रंग के बना लेंगे। फिर अपनी तरफ धागा करके चार फंदे पीले बना देंगे। अगर इस डिजाइन में अपने ज़्यादा रंग लगाने, जैसे एक रंग हमारा ज़्यादा है, एक रंग का गोला, और बाकी के छोटे छोटे कई रंग हैं, तो कई रंग लगा सको आप बीच में। हमारी बची हुई ऊन भी काम आ जाएगी, और कार्डिगन, बच्चे का कार्डिगन बनाया हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा। ये डिजाइन बच्चे के कार्डिगन में डाल लो, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, टॉप में, लड़कियों की कुर्ती में, कहीं भी डाल लो, सारी जगह दो रंग का डिजाइन सारी जगह अच्छा लगा है। अब आ गई तीसरी सिलाई। अब तीसरी सिलाई, दो सिलाई तो हमारी साथ में दोनों धागे चले हैं, पीला भी हरा भी। अब दो सिलाई हमने पीला रंग की उतारनी है, एक सीधी एक उल्टी। अब ये एक दो तीन और एक चार, दोनों कोने पे चार चार फंदे पीले आ गए, और बीच में हमारे बनाने हमने सारे पीले हैं।
अब ये चार फंदे बनाए, बीच में हमारे तीन तीन बचेंगे, एक इस तरफ वाला भी बन गया, पलट देंगे हम इस तरफ वाला भी, एक इस तरफ पलट दिया, बीच में तीन बचे, यहाँ कोने पे देखो हमारे चार बच गए थे, हमने भी ये फंदे पलटने हैं, ये हरा फंदा बीच में लेकर आना है, ये दो फंदे हम आगे कर लेंगे, ये फंदा बीच में करके फिर तीनों फंदे ना हम पीले बना देंगे, बनाने हमने पीले हैं ये सारे फंदे बनाने हैं। अब ये हरा फंदा ये भी हमने पीला बना लिया, अब इस तरफ का हरा फंदा आगे ले कर आना, हमने पीछे की साइड तक ले कर आना ये फंदा, ये फंदा हम आगे कर देंगे और ये दो पीले फंदे पीछे कर देंगे। अब ये तीनों फंदे हमें हरे पीले रंग के बना देंगे, फिर बीच के ये तीन फंदे हैं ये भी हम पीले बना देंगे। अब देखो ये तीन पीले बना देंगे, यहाँ हमारे चार पीले बनाकर फिर पलटा था फंदा, अब ये पांच फंदे हैं, एक इस तरफ पलट दिया एक इस तरफ, बीच भी के सारी जगह हमारे ये तीन तीन बचे हैं, दो और एक, ये तीन, तीन फंदे बना कर पीले। अब ये फंदा हमें पीछे कर देंगे हरा और दो पीले फंदे हमें आगे कर देंगे, तीनों को हमें पीला बना देंगे, एक दो और एक ये तीन। अब इधर वाला भी फंदा हमारा आगे कर देंगे और पीछे वाले पीले हैं दो, वो पीछे आगे वाले दो फंदे पीले पीछे कर दिए, फिर ये तीन फंदे पहले हम पीले बना देंगे और ये दो फंदे हमें आगे की साइड से पीछे कर दिए, हरा फंदा पीछे कर दिया और पीले फंदे हमने आगे करके तीनों फंदे पीले बना दिए, फिर पीछे तह हरा फंदा आगे कर देंगे और ये फंदा हमें दोनों पीले फंदे पीछे करके और ये बाकी के चार फंदे बच गए जो इनको भी हम पीले रंग से बना देंगे। बिल्कुल आसान डिजाइन है और बनाया भी बहुत सुंदर लगेगा ये, अगर मल्टी कलर में बनाओगे मल्टी कलर भी अच्छा लगेगा बहुत। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अब चौथी सिलाई आएगी, उल्टी सिलाई आएगी, अब चौथी सिलाई में हम सारे फंदे इस तरह उल्टे बना लेंगे। आपने दो रंग का बनाना है तो चार सिलाई में पूरा हो गया, तीन रंग का बनाना है तो आगे भी हमारी फिर चार सिलाई और उतरेंगे, आठ सिलाई का बनेगा, वही बार 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 बनाना हमने, रंग रंग बदलना, बस रंग तो कितने लगा लो इसमें चाहे, ये चार ही सिलाई बनेंगे हर बार। अब आगे फिर हम पहली सिलाई तक फिर शुरू कर लेंगे। देखो